देश के प्रमुख धार्मिक और आध्यात्मिक मंदिरों के नवीनीकरण कार्य में योगदान देने वाली पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर की जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है और इसी कड़ी में महाराष्ट्र के नासिक में कई राजनीतिक पार्टियों, जनप्रतिनिधियों और आम लोगों ने माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित की और उस दौरान विधायक सरोज आहिरे, पूर्व विधायक योगेश घोलप और अन्य महानुभाव मौजूद रहे। होलकर जी की जयंती पूरी राज्य समेत देशभर में बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। इसी कड़ी में हम नासिक रोड में हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के देवलाली चुनाव क्षेत्र की विधायक सरोज आहिरे जी हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। आज राजमाता, लोकमाता पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर, इनकी 298वीं ये जयंती है और बड़े उत्साह से सभी पूरे भारत में ये जयंती मनाई जा रही है। सबसे पहले मैं सभी समाज बांधवों को, सभी को शुभेच्छा जो दे रहे हूँ, ये उन सभी की मेहरबानी है। राष्ट्रमाता जिजाऊ माता हो या फिर अहिल्या देवी होलकर हो, इन्हीं सब राजमाताओं की वजह से हम लोग महिला आगे आ रहे हैं। ये बहुत गर्व है कि मैं महाराष्ट्र की माटी में जन्मी हूँ, तो मुझे प्रचंड अभिमान है। और प्रशासक कैसा हो तो वो राजमाता अपने अहिल्या देवी जैसा हो, ये उन्होंने हर अपनी कृति से दिखाया है। जिनका कहना है कि इन्हीं महापुरुषों के विचारों पर कार्य करने की सभी को आवश्यकता है और आज ऐसे महत्वपूर्ण समय पर यह दृढ़ संकल्प किया जाना चाहिए। रवि पाटिल, नेटवर्क 10, नासिक।